सभी स्टूडेंट को अपने यहाँ शुरू कर रहे हैं अध्याय सेकंड फिजिक्स फर्स्ट का दूसरा लेसन गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग। तो पहला क्वेश्चन है अपना विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, समझाते हुए इसका मात्रक और विमा लिखिए। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखनी है अपने को और विद्युत फ्लक्स क्या है, विद्युत फ्लक्स क्या है अपने कोई भी विद्युत क्षेत्र लेंगे। विद्युत क्षेत्र यानी किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह बल का अनुभव करता है। विद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठ रखना है और जैसे ही पृष्ठ रखेंगे तो पृष्ठ के लंबवत बल रेखाएं निकलेगी, निकलने वाली जो बल रेखाओं की संख्या होगी वो कहलाएगा विद्युत फ्लक्स। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या ही विद्युत फ्लक्स कहलाती है, परिभाषा है। तो देखें यहां पर हमने डायग्राम लिया है, एक पृष्ठ लिया है और पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में है ई सदिश में, ई सदिश और पृष्ठ का जो अल्पांश है डीएस सदिश, अल्पांश यानी छोटा सा पार्ट, ये दोनों एक ही दिशा में है। दूसरे डायग्राम में हमने क्या किया है कि जो पृष्ठ है उसको थोड़ा सा थीटा कोण से घुमा दिया है। कैसे, जैसे मान लेते हैं अपने पास ये पृष्ठ है, इसको अपने विद्युत क्षेत्र में रखा है, विद्युत क्षेत्र एरो के निशान के रूप में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो ये है जो मैंने पेज का सिलेक्ट किया है, ये विद्युत क्षेत्र है और ये जो पेज है ये पृष्ठ है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना है 90 डिग्री। ये जो तीर का निशान आगे की ओर जा रहा है ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं या विद्युत बल रेखाएं हैं। इस पूरे पृष्ठ में से बल रेखा निकल रही है, जितनी बल रेखाओं की संख्या होगी वही क्या कहलाएगा, विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। यहां पर विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ दोनों एक ही दिशा में है, फ्लक्स मैक्स होगा। अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं, जैसे जैसे मान लो इस प्रकार से घूमेगा कोण बनता जाएगा, इस क्षेत्र और पृष्ठ के बीच का जो ये कोण बन रहा है इसको अपने थीटा से लिखा है। अगर दोनों एक ही दिशा में हो जाए, परस्पर दोनों क्या है एक ही दिशा में हो जाए, तो फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सी परिभाषा है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या ही विद्युत फ्लक्स कहलाती है। या एक परिभाषा और लिख सकते हैं, यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ई सदिश और पृष्ठ का अल्पांश है डीएस सदिश, तो इन दोनों का अदिश गुणनफल ही विद्युत फ्लक्स कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई सदिश और पृष्ठ के अल्पांश डीएस सदिश का अदिश गुणनफल ही विद्युत फ्लक्स कहलाता है। अर्थात इसको अपने फॉर्मूले के रूप में लिखें तो ऐसे लिखेंगे, डी फाई बराबर ई सदिश रूट डीएस सदिश। डी का मतलब है अल्पांश यानी बहुत छोटा सा पार्ट, जैसे मान लो ये पृष्ठ है इसका मैं छोटा सा पार्ट ये ले लिया मैंने एक नंबर पार्ट, एक नंबर दो नंबर, इस प्रकार से बहुत सारे पृष्ठ है, पृष्ठ के भाग हैं छोटे छोटे, इन छोटे से भागों का मैंने नाम क्या दे दिया, अल्पांश। ये सभी अल्पांश मिलकर इस पृष्ठ की रचना करेंगे, तो एक अल्पांश से जो फ्लक्स निकलेगा उसको अपने रिप्रेजेंट किससे करेंगे, डी फाई से। तो डी फाई बराबर क्या आएगा, ई सदिश रूट डी सदिश, ये समीकरण है एक नंबर। परिभाषा क्या अपनी वापस बता रहा हूं मैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई सदिश और पृष्ठ के अल्पांश डीएस सदिश का अदिश गुणनफल ही विद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो डी फाई बराबर क्या आएगा, ई सदिश डो डीएस सदिश, समीकरण नंबर एक। ये तो केवल है एक अल्पांश के लिए, एक अल्पांश के लिए। इस अब अपने क्या करना है, इस संपूर्ण पृष्ठ के लिए फ्लक्स का मान निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए। तो यहां पर कैसे लिख सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए अपने क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे और जो समाकलन होगा वो कहलाएगा क्लोज इंटीग्रेशन। संपूर्ण पृष्ठ के लिए इसको अपने से रिप्रेजेंट करेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई सदिश डो डी सदिश। जो मैं क्लोज इंटीग्रेशन कर रहा हूं वो संपूर्ण पृष्ठ के लिए है, सरफेस के लिए है, एरिया के लिए है। तो यहां पर अपने ऐसे लगा सकते हैं या ए लगा सकते हैं। डी फाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा फाई, और फाई इक्वल टू आएगा क्लोज इंटीग्रेशन एस ई सदिश डॉट डी एस सदिश। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो पूरे लेसन में चलेगा, समीकरण नंबर दो बार बार आएगा कि फाई इक्वल टू क्या है, क्लोज इंटीग्रेशन एस ई सदिश डॉट डी एस सदिश। अब अपने क्या करेंगे, समीकरण नंबर दो उसको हल करेंगे।
समीकरण दो को हल करेंगे तो ये आएगा बनने वाले कोण की ओजा के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसको अपने से लिख सकते हैं phi बराबर cos integration s e ds cos theta, phi बराबर cos integration s e ds cos theta। अब देखो वापस अपना डायग्राम लेते हैं, e सदिश और ds सदिश दोनों के बीच का कोण कितना है 90 डिग्री। अगर इस पृष्ठ को मैं घुमाऊं इस प्रकार से मैं घुमा दूं कोण क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा और ये कंडीशन ऐसे आ जाएगी थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री, दोनों के बीच में कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री। लेकिन यहाँ पर जो अपने अल्पांश लिया है, ये छोटा सा जो अल्पांश है, अल्पांश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में कोण कितना है 0 डिग्री। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो पृष्ठ का अल्पांश लिया है उन दोनों के बीच में कोण कितना है 0 डिग्री है। इसको अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू कितना है 0, तो फाई इज इक्वल टू आएगा क्लोज इंटीग्रेशन एस ई डी एस कोस 0, क्योंकि हम जानते हैं कोस 0 का मान कितना होगा 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइ इज इक्वल टू आएगा क्लोज इंटीग्रेशन एस ई डी एस कोस 0 का मान कितना है 1 से मल्टीप्लाई कर दें क्या आएगा फाइ इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस। अब देखें अपने यहाँ पर E क्या है, E इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो लेसन नंबर 1 में पढ़ी अपनी, किसी आवेश पर लगने वाले बल और आवेश का जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। अब यहाँ पर तीव्रता का मान सभी बिंदुओं पर नियत रहता है, तो जो मान नियत रहेगा उसका समाकलन नहीं होगा। इसको अपने से लिख सकते हैं phi is equal to E क्लोज इंटीग्रेशन एस डी एस, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो यह आएगा क्लोज इंटीग्रेशन एस डी एस इक्वल टू एस, सभी पृष्ठों के अल्पांशों का जो योगफल होगा वो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा, तो फाइव बराबर आएगा ई एस। यह आ जाएगी समीकरण नंबर 3 पर। समीकरण 1, 2 और 3 ही, समीकरण 1, 2 और 3 तीनों ही विद्युत फ्लक्स के व्यंजक है, सूत्र समीकरण 1, 2 और 3 तीनों ही क्या है, विद्युत फ्लक्स के सूत्र है। यहां से परिभाषा क्या बनेगी, वेरी सिंपल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठ के क्षेत्रफल का जो गुणनफल है वो क्या कहलाएगा, विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। अब अपने इसका मात्रक निकालेंगे, निकालने से पहले आज का क्वेश्चन है ये अपना, विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही पद्धति में मात्रक लिखी, ये आपको लिखकर मुझे भेजना है, कमेंट करना है, आपको 3 बार देखना है, उसके बाद जो प्रश्न है प्रश्न के अंदर आप आंसर लिखेंगे और भेज देंगे, बस। टेस्ट आपका हो चुका है, लगभग 15-16 बच्चों ने पेपर नहीं दिया है, अभी मौका है, आज हम कॉपी दे सकते हैं, कॉपी भेज सकते हैं। आगे वाले जो अपना जो टेस्ट होगा आगे वाला वाले आने वाले मंडे को, उसका सिलेबस ये चैप्टर है, लेसन नंबर 2-6 में जितना पढ़ाया जाएगा उतना आपको याद कर लेना है। आज का क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स का मात्रक लिखना है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक अपने यहाँ निकालेंगे, मात्रक इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यूनिट। किसी भी भौतिक राशि को एक न्यूनतम व निश्चित मान के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जो क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, विद्युत फ्लक्स का मात्रक निकालेंगे, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लेते हैं phi इक्वल टू ई एस, ई यहाँ पर क्या है, इंटेंसिटी है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, किसी आवेश पर लगने वाले बल
और आवेश का जो अनुपात है वो क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर तीव्रता का मात्रक निकालेंगे तो ये आएगा पाई इज इक्वल टू एम बटा में क्यू इन टू एस। मात्रक निकालेंगे तो ये आ जाएगा बल का मात्रक आएगा न्यूटन, आवेश का आएगा कूलम्ब और सरफेस का जाएगा मीटर स्क्वायर। तो मात्रक क्या बन जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा में कूलम्ब। इसको अपने चेंज कर सकते हैं और चेंज करके इसको अपन क्या लिखेंगे, बहुत ही आसान सा है, फाइव इज इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर बटा में कूलम्ब। इसको मीटर स्क्वायर है, इसको अपने दो बार लिख सकते हैं मीटर इंटू मीटर। तो लास्ट में अपने पास आएगा फाइव इज इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर बटा में कूलम्ब, क्योंकि हम जानते हैं न्यूटन इंटू मीटर होता है जूल के बराबर। तो ये आ जाएगा पाई इज इक्वल टू जूल इंटू मीटर बटा में कूलम्ब, क्योंकि हम जानते हैं वी बराबर होता है डब्ल्यू बटा में क्यू। डब्ल्यू क्या है, कार्य है, कार्य का मात्रक क्या है जूल, क्यू क्या है आवेश, आवेश का मात्रक क्या है कूलम्ब, और जूल बटा में कूलम्ब ये होता है वोल्ट। बहुत ही आसान सा एक मात्रक बन जाएगा, यहाँ पर पाई का मात्रक क्या बनेगा वोल्ट इंटू मीटर, ये मात्रक आ जाएगा। इसी प्रकार का मात्रक हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तीव्रता का मात्रक क्या है वोल्ट प्रति मीटर, और फ्लक्स का मात्रक क्या है वोल्ट इंटू मीटर। तो ये आपको याद रखना है अच्छे से। इसके बाद में हम क्या करेंगे, विमा निकालेंगे यहां से, विद्युत फ्लक्स की विमा क्या है, विमा क्या है, किसी भौतिक राशि को m l t व a की घात के रूप में लिखना विमा कहलाता है। यहां पर अपन विमा निकालेंगे किसकी, विद्युत फ्लक्स की। तो विद्युत फ्लक्स का सिंपल सा फॉर्मूला ले सकते हैं या मात्रक लिख सकते हैं। तो पाई का एक मात्रक था न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा में कूलम्ब, इसके बेस पर अपने इसकी विमा लिखेंगे। तो पाई बराबर न्यूटन की विमा आएगी एम वन एल वन टी माइनस टू इंटू एम जीरो एल टू टी जीरो, आवेश की विमा है एम जीरो एल जीरो टी वन ए वन। इकट्ठा करके लिखेंगे तो ये आएगा मास कितना आ रहा है वन, लेंथ कितनी यहां पे वन है यहां पे टू है, ये आ जाएगा एल थ्री, टाइम यहां पे माइनस टू है बटा में टी वन, ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, एम्पियर वन है ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, और ये भी आ जाएगी एम वन एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस वन। इसके बाद में अपने स्पेशल कंडीशन लेंगे, यहां पे विद्युत फ्लक्स की तीन अलग अलग कंडीशन है, तीन स्थितियां हैं, तीनों स्थितियों में अपने को फ्लक्स का मान निकालना है। तो पहली कंडीशन है स्पेशल कंडीशन केस फर्स्ट, यदि थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री है तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, जैसे मान लो ये प्रश्न है और इसमें से बल रेखा इस प्रकार से निकल रही है, तो प्रश्न का जो अल्पांश लिया है और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी बल रेखा है वो एक ही दिशा में है, जब एक ही दिशा में होगी तो थीटा का मान कितना होगा जीरो डिग्री, उस कंडीशन में फ्लक्स कितना होगा, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लगाएंगे पाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन एस E सदिश डॉट ds सदिश, ये फॉर्मूला है, इसको अपने हल करेंगे तो phi इज इक्वल टू आएगा क्लोज इंटीग्रेशन s e ds cos थीटा, थीटा का मान कितना है जीरो डिग्री, तो phi इज इक्वल टू क्या आएगा क्लोज इंटीग्रेशन s e ds cos जीरो, cos जीरो का मान कितना होगा
या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं phi is equal to E क्लोज इंटीग्रेशन एस ds, ds का क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा s आएगा, और इसको हम ऐसे लिखेंगे phi is equal to ES, मान कैसा आया पॉजिटिव, इसको अपन लिखेंगे आउट, यानी निर्गत फ्लक्स है, बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही है, विद्युत जो बल रेखाएं हैं वो पृष्ठ के अंदर से बाहर की ओर निकल रही है, तो फ्लक्स कैसा होगा आउटपुट यानी निर्गत फ्लक्स होगा। तो पहली स्थिति में फ्लक्स कैसा आया है पॉजिटिव आया है और कैसा है निर्गत है। कंडीशन नंबर दो सेकंड केस है, यहां पर हमने थीटा का मान ले लिया 90 डिग्री, यदि थीटा इज इक्वल टू है 90 डिग्री तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से सेम ही प्रोसेस phi इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन एस e सदिश डॉट ds सदिश। अब देखो e सदिश और ds सदिश लंबवत कैसे होंगे, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, जो मैंने पेचकस को पकड़ रखा है, ये पृष्ठ है, पृष्ठ का जो अल्पांश है उसकी बात कर रहे हैं हमने, तो पृष्ठ का अल्पांश और जो विद्युत क्षेत्र है वो एक ही दिशा में है। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा तो वही सेम रहेगी लेकिन जो अल्पांश है वो क्या हो जाएगा लंबवत हो जाएगा, लंबवत इस प्रकार से, पृष्ठ अल्पांश कैसा हो गया इस प्रकार से हो गया। तो जो पेचकस लिया है मैंने और जिस हाथ से मैंने पकड़ा है मार्कर को, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री है, यानी ई सदिश और डी एस सदिश परस्पर एक दूसरे के क्या हो गए लंबवत हो गए। एंगल कितना बनेगा, थीटा का मान कितना होगा 90 डिग्री, तो ये आ जाएगा पाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन एस ई डी एस कोस थीटा, और थीटा का मान कितना होगा हमें 90, कोस 90 का मान कितना होता है 0, फाई का मल्टीप्लाई फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन एस ई डी एस का मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 0 से, तो पूरा रिजल्ट कितना हो जाएगा 0, यानी फ्लक्स यहां पर कैसा है सुने, तो विद्युत फ्लक्स का मान धनात्मक हो सकता है 0 भी हो सकता है। अब है तीसरी कंडीशन केस नंबर 3, इसी के अंदर हेड लगा हुआ है, यदि थीटा इज इक्वल टू है 180 डिग्री, थीटा का मान कितना है 180 डिग्री है, यानी जो अपने फ्लक्स निकाले उससे पहले अपने अल्पांश जो ले रहे हैं पृष्ठ का जो अपने अल्पांश लिया है, ये अल्पांश विद्युत फ्लक्स जो बल रेखाएं निकल रही है उसके अपोजिट दिशा विपरीत हो गया, ऐसे हो गया विपरीत दिशा में हो गया, दोनों डायरेक्शन क्या है एक दूसरे के अपोजिट है, थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 180, तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से phi is equal to closed integration s e सदिश डॉट ds सदिश, सदिश आएंगे थीटा आएगा, थीटा का मान कितना आएगा 180 डिग्री। cos 180 का मान होगा माइनस 1, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरा माइनस में हो जाएगा, ये पूरा माइनस में हो जाएगा, और यहां पर आ जाएगा इन, पहले में रिजल्ट क्या था आउट, दूसरे में 0 और तीसरे में इन, ये कहलाता है प्रवेशित फ्लक्स, प्रवेशित यानी इनपुट, इसका मतलब विद्युत फ्लक्स धनात्मक हो सकता है ऋणात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, ये तीन कंडीशन है। विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है अदिश राशि है, क्योंकि दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल सदैव कैसी राशि होगी अदिश राशि ही होगी। ये टॉपिक अपना आज का खत्म हुआ, इसको आप अच्छे ढंग से पढ़ें, धन्यवाद सभी।